सो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A10 और सैमसंग गैलेक्सी A10s डिवाइस के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर इंडिया में अभी तक भी One UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। सो वो आपको कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A10 और A10s डिवाइस के यूजर है सो वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसकी वीडियो है, रिव्यू है, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको सैमसंग का एक अलग से ग्रुप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, सैमसंग One UI अपडेट, जहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं अपने आंसर है वो यहाँ पर दे दूंगा। और अपडेट जब भी यहाँ पर रिलीज होगा उसकी जो न्यूज है वो आपको सबसे पहले उसी ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। सो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A10 और सैमसंग गैलेक्सी A10s डिवाइस के बारे में, सो इंडिया में हमको अपडेट है वो अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैमसंग की ओर से अगस्त का जो मंथ है वो यहाँ पर कंफर्म किया गया था कि दोनों ही डिवाइस के अंदर आपको अपडेट है वो अगस्त के मंथ के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं और बहुत सारे यूट्यूबर है वो आप लोगों को ये बोल रहे थे कि अपडेट है वो आपको यहाँ पर जून और जुलाई का जो मंथ है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप लोगों को पता है सैमसंग के बहुत सारी डिवाइस है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 और M21 डिवाइस के बारे में। सो इनको जो आपको अपडेट है वो यहाँ पर मार्च के मंथ के अंदर यहाँ पर कन्फर्म किया गया था, लेकिन जनवरी का जो एंड है वहां पर आपको अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज कराया गया था सैमसंग की ओर से हर सैमसंग के डिवाइस के लिए। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपडेट है आपको जुलाई के मंथ के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो जुलाई का जो मंथ है वो अभी भी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, आपको अपडेट है वो यहाँ पर मिल सकता है दोनों ही डिवाइस के अंदर। और हो सकता है कि आपको जो अपडेट है वो इन दोनों ही डिवाइस से पहले सैमसंग गैलेक्सी A20s जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि अपडेट है वो यहाँ पर अनदर कंट्री में रिलीज हो चुका है इंडिया को छोड़ के। मलेशिया और वियतनाम जो कंट्री है वहां पर आपको अपडेट है वो सैमसंग गैलेक्सी A10 डिवाइस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और बहुत सारे एशियन कंट्री है जहां पर आपको अपडेट है वो अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। सो अपडेट है वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी जुलाई का जो एंड है उससे पहले पहले यहाँ पर देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कौन कौन से कमाल के जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि One UI 3.0 अपडेट ना मिलकर इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है One UI 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।